जय मसीह की दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर प्रार्थना करेंगे, बच्चों को बुरी आत्माओं से कैसे बचाएं और उन्हें शैतान के हाथों से कैसे सुरक्षित रखें। आज हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जो आपके बच्चों को बुरी आत्माओं, जादू टोना और हर प्रकार के खतरों से बचाने में मदद करेगी। बच्चों की सुरक्षा हर माता पिता की प्राथमिकता होती है, और जब बात बुरी आत्माओं और शैतान की होती है तो हमें और भी अधिक सार्थक होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम आपके सामने झुकते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी, आपकी ममता और प्रेम के कारण ही हम जीवन पाते हैं। आज हम आपके चरणों में आकर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता हैं, और आप ही हमें बुराई से मुक्त कर सकते हैं। आप ही हमारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। आपके अनंत प्रेम और दया के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारे बच्चों का आपसे बड़ा कोई संरक्षण नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे बच्चों को हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखें, उनके चारों ओर अपनी दिव्या डाल बनाकर रखें ताकि कोई भी बुरी आत्मा उन्हें छू भी ना सके। हे प्रभु, आप हमारे बच्चों के जीवन में मार्गदर्शन बने रहे, उन्हें सही और गलत का भेद बताएं और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे बच्चों को हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक हानि से बचाएं, उन्हें मजबूत, साहसी और विश्वास से पूर्ण बनाएं। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन से हर बुरी आत्मा और हर नकारात्मक शक्ति को दूर रखें, उनके चारों ओर अपनी पवित्र आत्मा का सुरक्षा कवच बनाएं ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा उनके निकट न आ सके। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों को हर प्रकार की नकारात्मक भय और अशांति से मुक्त करें, उन्हें अपने पवित्र और शांतिपूर्ण हाथों में सुरक्षित रखें। हमारे बच्चों को सही और सच्चे संबंध प्रदान करें, उन्हें ऐसे मित्र दें जो उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और उन्हें हर प्रकार की बुराई से दूर रखें। हे परमेश्वर पिता, हमारे बच्चों के संबंधों को मजबूत बनाएं, उन्हें ये समझने की क्षमता दे कि कौन से लोग उन्हें सच्चे मित्र हैं और कौन से लोग उन्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों को ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि वे सही और गलत का भेद समझ सकें, उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे बच्चों को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की समझ दें, उन्हें ये समझाने की क्षमता दें कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। हे परमेश्वर, आप हमारे बच्चों के जीवन में हर समय उपस्थित रहें, उन्हें हर संकट से बचाएं और उनकी रक्षा करें। आपके दिव्य हाथों में हमारे बच्चों की सुरक्षा है। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे बच्चों को हर दिन, हर पल अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराएं, उन्हें ये महसूस कराएं कि वह कभी भी अकेले नहीं है और आप हमेशा उनके साथ हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन में शांति लाएं, उनके दिलों से और उनके जीवन से हर प्रकार की अशांति और तनाव को दूर करें, उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करें ताकि वह हर परिस्थिति में शांत और सहमत रह सकें। हे ईश्वर, हमारे बच्चों को हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि आप ही उनके सच्चे सहारा हैं और आप ही उनकी हर समस्या का समाधान है। हे प्रभु, हम माता पिता के रूप में आपके सामने झुकते हैं और अपने बच्चों के लिए आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। हमें इस योग बनाएं कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें, हमें वह शक्ति और समझ दें जिससे वह अपने बच्चों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ले जा सकें। हे परमेश्वर, हमारे विश्वास को और भी गहरा और मजबूत बनाएं ताकि हम हर परिस्थिति में आप पर निर्भर रहें। हमें ये विश्वास दिलाएं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमारे बच्चों के साथ हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी ये विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, उन्हें
ये समझाने में सहायता करें कि वह कभी भी अकेले नहीं है और आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये प्रार्थना हर माता पिता के लिए एक मार्गदर्शन है जो आपने बच्चों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। हमारे बच्चों की सुरक्षा, उनके भविष्य की खुशहाली और उनकी आत्मा की शांति के लिए ये प्रार्थना एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे बच्चे हमारे लिए अनमोल हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा परमेश्वर के शरण में रह सकते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करें। आमीन।